जावेद स्कूल नहीं जाते? नहीं। यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं आपको? मुझे 100 रुपया मैं रोज ले रहे हैं। मजबूरी करो काम करना पे तो गवर्नमेंट मेरे का आडा कर ले जो ना काम करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं बच्चे फूल की मानिंद होते हैं। मासूम बच्चों के चेहरे सूरज की पहली किरण से मुशाहबत रखते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे घरों में जो रौनकें हैं वो मासूम बच्चों से ही हैं। इन्हीं बच्चों ने कल मुस्तकबिल में कौम की नुमाइंदगी करनी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे ने इन्हीं मुस्तकबिल के मेमारों को गलियों की धूल बना दिया है, जिसकी एक सूरत चाइल्ड लेबर है, यानी नौउम्र बच्चों से मुलाजमत करवाना। बच्चों को तालीम और तफरीह के हक से महरूम करके हमारे माशरे में उनसे मुलाजमत करवाई जाती है। जिन मासूम बच्चों के हाथों में ताकत है किताबें उठाने की, हमारे माशरे ने उनके हाथों में औजार थमा दिए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ये बुलंदों बाग हुक्मरानों की जानिब से दावे हम सुनते हैं कि चाइल्ड लेबर का खात्मा कर दिया जाएगा, चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से आज तक उस कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर में रोज़ाना की बुनियाद में इजाफा क्यों होता जा रहा है, यहाँ पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उस रिपोर्ट में बताएंगे कि गुज़िश्ता 5 सालों में चाइल्ड लेबर में कितना इजाफा हुआ। और सबसे अहम और बुनियादी बात कि पाकिस्तान में बच्चों को कौन सी मुलाजमत ज़्यादा करवाई जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 24 करोड़ 60 लाख बच्चे अपने बचपन से महरूम रहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो होश संभालते ही घर संभालने पर लगा दिए जाते हैं, जिन्हें कुदरत मासूमियत की बजाय करख्तगी सिखाती है। बैनुल अक्वामी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 33% बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यहां तकरीबन 1,20,00,000 से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं और इस तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 2012 में काम करने वाले कम उम्र बच्चों की तादाद 1 करोड़ थी, मगर अब इस तादाद में 20% इजाफा हो चुका है और हर आने वाले दिन के साथ ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां चाइल्ड लेबर का रुझान और बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने की शरह सबसे ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं और गुर्बत के सताए काम करने पर मजबूर हैं। मुआवजा अदा किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 25 के तहत रियासत तमाम 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम देने का इंतजाम करेगी, जिसका तायुन कानून करेगा। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इन बच्चों के बेहतर या रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब खरगोश से कब जागेगी और इनको इनका हक कब मिलेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की जिसमें हमने आपको दिखाया कि गुज़िश्ता 5 सालों में किस हद तक चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में बच्चों से कौन कौन सी मुलाजमत करवाई जा रही है, एक तफसीली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। और अब हम आपको लाहौर की मुख्तलिफ वो मार्केट्स विज़िट करवाएँगे जहाँ पर बच्चों से लेबर करवाई जा रही है। कितने पैसे इनको रोज़ाना के लिए दिए जाते हैं, क्या इनकी कोई ख्वाहिश है स्कूल जाने की, पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की, जो इनका हक है, इनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो आज के प्रोग्राम में वो आपको दिखाएंगे। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स का हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अहम शाहराहों पर बच्चों से कौन कौन सी मुलाजमत दी जा रही है। एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, क्या काम करते हो? ये डोरी बलता काम करता हूँ। रबर का काम करते हो, तो क्या नाम है वैसे आपका? दानिश। दानिश, तो स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 में पढ़ते हो, तो ये काम क्यों करते हो साथ? मजदूरी है। मजदूरी है, तो ये बताओ कि घर में कौन कौन है तुम्हारे? हाँ, पापा भी है, वो भी काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो तुम सारा दिन काम करते हो, तो पढ़ते किस टाइम हो? सुबह। तो अब छुट्टियाँ मिली हुई है ना,
छुट्टियों में काम कर रहे हो, उसके अलावा अगर जब सब स्कूल दोबारा खुल जाएंगे फिर काम नहीं करोगे? छुट्टियों में काम करता हूँ। छुट्टियों में काम करते हो? ये बच्चा जो है ये छुट्टियों में काम करता है, और जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो इसने कहा कि ये स्कूल जाता है, स्कूल जाएगा। और बच्चे भी मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वायस अली। वायस अली, क्या काम करते हो यहाँ पे? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का, ठीक है। तो स्कूल नहीं जाते? रोज़ाना कितने पैसे मिलते हैं? हम आप काम करते हैं, अपना काम करते हैं। तो स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जगह नौकरी करोगे, स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे ना? क्यों दिल क्यों नहीं करता स्कूल जाने का? एक बंदा ये काम फायदे फिर दोबारा उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने। अच्छा, तो बच्चे तो तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं पार्कों में, तुम्हारा दिल नहीं करता खेलो तुम जाके? नहीं। अच्छा, वैसे बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बन भी जा रहे? तो पुलिस में तो तभी जाओगे ना जब तुम पढ़ोगे, पढ़े बगैर तो पुलिस में नहीं जा सकते। अब तो माया दिल भी करता। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, क्या काम करते हो? डोरी रोबोट। डोरी रोबोट का। तो कितने पैसे मिलते हैं रोजाना? मिल जाते कोई 500-600 रोजाना। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? मजदूरी है। घर में कौन कौन होता है आपके? सारे हैं। सारे हैं, तो आप स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी बाद में आपको? क्यों नहीं पढ़ते? मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए। वैसे दिल करता पढ़ने का या दिल भी नहीं है? तो ये बताओ फिर बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कोई सोचा हुआ है कि मैं बड़ा होके कोई क्रिकेटर बनूंगा, शाहिद अफरीदी बनूंगा, क्या बनूंगा, क्या दिल करता है? फौजी। फौजी बनूंगा। तो फौज में तो तुम तब जाओगे ना जब स्कूल जाओगे, पढ़ोगे। फौज में तो आप तब जाओगे ना जब पढ़ोगे, स्कूल जाओगे तब, उसके अलावा तो फौज में नहीं जा सकते? नहीं। अच्छा, खेलते खेलते हो दिन में? कोई खेलने कूदने का टाइम है या नहीं है? नहीं है। सुबह कितने बजे आते हो इधर? 8 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? 7 बजे। 7 बजे, ठीक है। नाज़रीन, ये बच्चा फौज में जाना चाहता है लेकिन फिर वही बात है कि इन लोगों को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, चूँकि ज़ाहिर है कि ये कभी स्कूल नहीं गए। इसीलिए ख्वाहिशात तो हैं इनके दिल में, और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना हुक्मरानों की बहसियत मुआशरा हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी से इतने गाफिल हैं कि शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं कि जो हमारा मुस्तकबिल है वो कितनी तारीकी में यहाँ पर डूब रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करें, और उनसे चूँकि ये कानूनन जुर्म भी है, उनसे पूछें कि कभी उनके पास कोई बंदा आया चेक करने कि चाइल्ड लेबर हो रही है या नहीं हो रही। एक शख्स मौजूद है हमारे साथ, अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों से मुलाजमत करवाना, आपको पता है ये जुर्म है? जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। लेकिन हम देखते हैं, खाली आपके पास नहीं, लाहौर की जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर बच्चों से ज़ाहिर है मुलाजमत करवाई जाती है, तो कभी आपके पास कोई बंदा आया चेक करने कि भाई आप किस बच्चे से मुलाजमत करवा रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, क्यों करवा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं आया। रोजाना आप इन बच्चों को कितने पैसे देते हैं? ये सारे अपना अपना काम करते हैं, हमारे पास नहीं करते हैं ये बच्चे काम। ये अपना डोरी रबड़ लगाते हैं बस, और अपनी झाड़ी लगाते हैं, घर चले जाते हैं। वैसे आप समझते हैं चूँकि इन बच्चों से काम नहीं होना चाहिए? ये इनको तो पढ़ना चाहिए, इनको काम नहीं करना चाहिए। हम इनको कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाना, काम ही करना होगा। नाज़रीन, एक दुकानदार ने कहा कि बच्चे अपना अपना काम करते हैं, ये उनको कहते भी हैं कि काम पढ़ें, लेकिन चूंकि वो काम की तरफ इतने उसमें मबजूल हो चुके हैं कि वो काम करते हैं। एक बच्चा और मौजूद है, मैं सर उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, क्या काम करते हो? पढ़ते हैं, छुट्टियाँ मिली है स्कूल से। स्कूल से छुट्टियाँ मिली हैं तो ये काम करते हो? तो ये काम क्यों करते हो? यही टाइम जो तुम काम कर रहे हो, अगर तुम पढ़ाई में लगाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर बात छुट्टी मिली थी ऐसे हम आ गए। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? तो फौज में सिर्फ तुम तभी जाओगे जब तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, अपना सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ लगाओगे। यस। तो अब तुम काम छोड़ो और पढ़ो। यस। हाँ, ज़ाहिर है नाज़रीन के इस बच्चे के पास हमारे सवालों का जवाब भी नहीं है। और लोगों से भी यहाँ पर और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में, लाहौर की अहम मार्केटों में किस तरह चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला हो रही है। और जितनी भी दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं, किसी एक दुकानदार का भी ये नहीं कहना कि उनके पास आज तक कोई टीम
आई है, किसी ने चेक किया है, किसी ने किसी को गिरफ्तार किया है, कोई कभी कोई टीम ने किसी जगह पर छापा नहीं मारा। हुक्मरानों के दावे क्या हैं चाइल्ड लेबर से मुतालिक वो हम सब जानते हैं, और उन दावों की किस तरह खिलाफ वर्जी हो रही है, वो दावे असल में दर हकीकत दावों के पीछे क्या है, वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान यहाँ पे क्या काम करते हो? कलर का। क्या करते हो? कलर का काम करते हो। तो स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं। उसकी क्या वजह, क्यों स्कूल नहीं जाते? भाई घर का किराया देना होता है ना, इसलिए नहीं। घर का किराया देना होता है। तो घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता? बड़ा भाई मैकेनिक है भाई को। यार स्कूल जाओगे तो जाहिर है तुम किराया देना होता है, तुम्हारी मजबूरी है। कितने पैसे यहाँ पर मिलते हैं रोजाना कमा लेते हैं? 500-600 रुपए। 500-600 कमा लेते हो? तो खुद ही अगर कुछ किताबें ले आओ, कोई पढ़ने का पढ़ा करो यहाँ पर ही दुकान पे बैठ के, तो कल को तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। ये 500-600 से ज़्यादा भी तुम कमा सकते हो। सुबह कितने बजे इधर आते हो? सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे आते हो। तो ये बताओ कि कोई ख्वाहिश है क्या, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, या खाली सारी जिंदगी ये मोटरसाइकिलों को कलर ही करना है? नहीं, बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना, पढ़ लिख के। पढ़ाई तो काम आती है बंदे की। पढ़ाई तो काम आती है, इस बात का आपको एहसास है कि पढ़ाई काम आती है, लेकिन चूंकि आपने घर का किराया देना है इस वजह से नहीं पढ़ सकते? घर का किराया देना होता है इसलिए नहीं पढ़ सकते ना। वालदैन नहीं है? वालदैन कहाँ पर है? क्या नाम है आपका? मैन का क्या काम करते हो यहाँ पे? ये रबड़ों का काम करते हो। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? पहला जाता था, अब नहीं जाता। अच्छा, कौन सी क्लास तक स्कूल गए हो? दूसरी तक। तो उसके बाद क्यों छोड़ दिया? वो मन नहीं करता ना। दिल नहीं करता? तो बड़े होके क्या बनना है तुमने? क्या बनना है? पुलिस। तो पुलिस में तो आप तभी जाओगे ना हसन, जब स्कूल जाओगे, पढ़ोगे। पढ़े बगैर तो पुलिस में नहीं जा सकते आप। रोजाना कितने पैसे मिलते हैं यहाँ से? 200-300 रुपया मिलता है। तो सुबह कितने बजे आते हो? 3 बजे। 3 बजे आते हो। और छुट्टी कितने बजे होती है? शाम को होती है छुट्टी। तो घर किधर है आपका? ये पाथिकोरण पीछे करीब ही है घर। नाज़रीन ये बच्चा मासूम सा बच्चा, इसने कहा कि 200-300 रुपया रोज़ाना मिलता है। यहाँ पर हर बच्चे की कहानी एक तरह की ही है। कोई बच्चा काम करना चाहता है, कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है कि ये बच्चे यहाँ पर काम करें। एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं सामने। पाँच जी असं बाई टाइम देखी दे है, बच्चे काम पुछते हैं कस्टमर को आ के नहीं। कई ऐसे पागल आते जो बच्चे धक्का दे देंगे है, तो बड़ा दिल रोंदा है अंदरों भी यार, भी किसी के है आ किसी के, साढ़े बच्चे है नहीं भी, असं मुसलमान है पर घूमन को चाहिए है इन्हों बच्चे का, कुछ सोचे नहीं। 15-16-17 साल हो चले गए आते हैं, तुम इंटरव्यू लाई इन्हें बच्चों का, बाकी कुछ नहीं बनता है। इन्हें चाहिए शुभाशरी नुमाशरी चाहिए है कि बच्चों ने कुछ सोचे नहीं। आपको पता है कि ये बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ये कानूनन जुर्म है। आपके पास आज तक कोई पुलिस वाला कोई बंदा आया कि ये तुम जुर्म क्यों कर रहे हो? सर जुर्म कह दिया है जो बच्चे है निके निके ठीक है, इन्होंने किराए देने है, इन्हों का दिल भी करता पढ़न नहीं ठीक है कि नहीं, इन्हें दिल जाता दिल करता स्कूल जाइए असं कद तो नहीं जाते हैं, इन्हें नहीं है घर के हालात होते नहीं। वो किराए देंगे बिजली के बिल देंगे या सुई गैस के बिल देंगे या घर हांडी रोड चूल्हा चलाएंगे या स्कूल जाएंगे उन्होंने नहीं। अच्छा ये बताएं, कभी कोई आया आपके पास के भाई इन बच्चों से मुलाजमत क्यों करवा रहे हो? आज तक झूठ नहीं बोलना? कोई भी नहीं आया इधर, कोई पूछने वाला नहीं आया है। वहाद आप है जो आप इतना काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दुकान अंदर से शॉप छोड़ के आया हूँ, मुझे खुशी हुई आप इस बारे में बच्चों के लिए आए हैं। ठीक है नाज़रीन, इस दुकानदार का भी यही कहना है कि आज तक कोई पुलिस वाला, कोई जो टीमें गवर्नमेंट कहती हैं हमने बनाई हुई हैं जो चेक एंड बैलेंस कर रही हैं, कोई शख्स इन दुकानदारों के पास नहीं आया कि इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाजमत क्यों करवाई जा रही है। लाहौर की और मार्केट्स भी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में जहाँ पर मुस्लिम नून की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, लाहौर पंजाब का दिल है, वहाँ पर इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हम उनका मुस्तकबिल कितनी तारीकी में डबो रहे हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे। और मार्केट्स का विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चों से कौन कौन सी मुलाजमत करवाई जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। पर है उस पर अभी तक उस तरह से अमल दरामद जो उसके कवानीन है नहीं करवाया जा सका, जो ज़रूरी चीज़ है, चूँकि नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाजमत करवाई जाती है। और ये बताना इंतहाई शर्मनाक है कि जिस तरह उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है,
इसकी मिसाल पूरी दुनिया में हमें नहीं मिलती। एक बच्चा मेरे पीछे आप देख रहे हैं नाज़रीन के मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, मेरा ख्याल है इस बच्चे की उम्र 10 या 11 साल होगी और ये बच्चा मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है। इसकी उम्र तो स्कूल जाने की है, इसके हाथों में जो ताकत है वो किताबें उठाने की है, लेकिन ज़ाहिर है इसने अपने हाथों में औजार उठाए हैं चूँकि यहाँ पर मुलाजमत कर रहा है। और ये है खुलम खुला खिलाफ वर्जी कानून की। बहुत दावे किए जाते हैं, बहुत नारे लगाए जाते हैं कि चाइल्ड लेबर का खात्मा कर दिया, कुछ ये भी कहा जाता है कि पुलिस की टीमें मुतहर्रिक की हैं कि दुकानों पर जाएं। और ये लाहौर का एक पोश इलाका है गड़ी शो में जहाँ पर हम मौजूद हैं, और मेरे पीछे वो बच्चा काम कर रहा है जो हुक्मरानों के चेहरों पर तमाचे मार रहा है। ये बच्चा कि मेरे लिए ना तो तालीम है ना तफरी है, मेरे लिए सिर्फ ये मुलाजमत है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चा हमारे से कोई ज़्यादा बातचीत कर सकेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये थोड़ी सी हमारे से बातचीत कर ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शेरोज। क्या यहाँ पर काम करते हो तुम? जी। तो स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? पदाशी पर्ची नहीं। क्या हुआ? पदाशी पर्ची नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि स्कूल जाना चाहते हो या स्कूल जाना ही नहीं है तुमने? नहीं जाना स्कूल। तो इधर कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें रोज़ाना? 50 रुपये मिलते हैं। तो सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे? मैं सुबह 7-8 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? जल्दी हो जाती है। तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? अम्मी अबू और बहन। अम्मी अबू क्या करते हैं? अम्मी स्कूली गार्ड है, अबू रक्षा चलाते हैं। अबू रक्षा चलाते हैं। तो यार स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे, अच्छी नौकरी करोगे, स्कूल क्यों नहीं जाने का दिल करता? तो खेलने कूदने का भी दिल नहीं करता? देखो जो छोटी आपकी उम्र के बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, आपका खेलने का भी दिल नहीं करता? नहीं। इसकी सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इस बच्चे की शायद इस उम्र में ख्वाहिशात ही दम तोड़ गई हैं, ना उसका स्कूल जाने का दिल करता है, ना उसका दिल करता है कि वो खेले कूदे। बचपन में ही इसका बचपन हमने दफन कर दिया नाज़रीन। इस बच्चे को इसकी कोई ख्वाहिश नहीं रही अब, उसका ये कहना है कि ना उसका खेलने का दिल करता है, ना उसका स्कूल जाने का दिल करता है। 50 रुपये उसको रोज़ाना उजरत यहाँ से मिलती है, सुबह 7 बजे वो यहाँ पर आ जाता है और शाम तक यहाँ पर रहता है, और रोज़ाना कई मोटरसाइकिलें ठीक करता है। इसके नन्हे जो कंधे हैं उस पर कितनी भारी ज़िम्मेदारी मुआशरे ने आयद कर दी है, शायद वो ये ज़िम्मेदारी अदा भी ना कर सके। इसके मासूम से जो हाथ हैं, जो फूल जैसे हाथ हैं, उन्होंने किताबें उठानी हैं, उन्होंने खेलना है कूदना है, लेकिन हमने उन पर क्या ज़िम्मेदारी आयद कर दी। इस जैसे कई बच्चे लाहौर में काम कर रहे हैं, खुलेआम चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी हम लाहौर की सड़कों पर देखते हैं, और कानून वो कहाँ पर है, वो चाइल्ड लेबर के कवानीन कहाँ पर हैं, वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहाँ पर हैं, ये बच्चा उनसे ये सवाल पूछता है। और लोगों से भी यहाँ पर बच्चों से बात करवाने की आपकी कोशिश करें। चाइल्ड लेबर पर हम आज बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा डिबेट हो चुकी है इस पर कि चाइल्ड लेबर का खात्मा कैसे किया जाए और कवानीन क्या कहते हैं इसमें। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कानून साज असम्बली ने इस पर कितनी कार्रवाई की और जो कवानीन बनाए उस पर क्या अमल दरामद किया, लेकिन यहाँ पर यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लॉज चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बनाए गए हैं वो क्या हैं, क्या वो इतने वीक हैं कि उस पर काम नहीं हो रहा। और सबसे जो बुनियादी बात है, अगर कोई शख्स किसी बच्चे को मुलाजमत पे रखता है तो उस पर क्या जुर्माना आयद होता है, ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने के लिए हम लॉ एक्सपर्ट साद रसूल के पास आए हैं। साद साहब, ये बताइएगा कि लॉ क्या कहता है चाइल्ड लेबर पर, ये बड़ा बुनियादी सवाल है लेकिन लोगों को इसका इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनिशियली बताइएगा लॉ क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कितनी एज में होनी चाहिए, लॉ क्या कहता है? चाइल्ड लेबर के इसके अंदर 2-3 पहलू हैं। एक तो डायरेक्ट पहलू है कि चाइल्ड लेबर की प्रोहिबिशन की ममानत, चाइल्ड लेबर की ममानत कैसे होगी, किन कवानीन के अंदर होगी।
इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कानून हैं, कुछ हमारे पास लेबर लॉज के अंदर प्रोविजंस हैं जो पाकिस्तान के रेगुलर लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर प्रोविजंस हैं जो कि कहती हैं कि आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आप इस तरह के लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ हो सोसाइटी का। साथ ही साथ स्पेशली हमने 1991 के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट पाकिस्तान में पास हुआ, जिसके बाद में 1995 के अंदर रूल्स भी बने जिसके अंदर स्पेसिफिक ममानत ख़ास तौर पर कहा गया है कि एक चाइल्ड कैसे डिफाइन होता है, वो कौन है, उसको किस तरह एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय अगर करेंगे तो उसकी सज़ा क्या होगी और उसका ओवरव्यू मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, उसके अंदर दो तीन किस्म की कैटेगरीज उस कानून के अंदर डिफाइन की गई। एक है चाइल्ड जो कि अंडर द एज ऑफ जो कि 18 साल जो कि 14 साल की उम्र से कम हो, वैसे 12 साल था बाद में उन्होंने 14 साल कर दिया, 12 से 14 साल की उम्र से कम हो तो उसको चाइल्ड डिफाइन किया जाता है। जो 14 से 18 साल की उम्र का बच्चा होगा उसको एडोलेसेंट डिफाइन किया जाता है, और 18 साल से बड़े उम्र की बच्चे को, शख्स को, एक आदमी, एक प्रॉपर मैच्योर आदमी डिफाइन किया जाता है। इसका सेक्शन 14 इस एक्ट का ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स इनको एम्प्लॉय करेगा या कोई ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देगा जिसके में इनको एम्प्लॉय करना पड़े, बच्चों को एम्प्लॉय करना पड़े, तो उसको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी होगा। सज़ा पहली अफेंस के ऊपर 1 साल की सज़ा है, अगर ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो कंपाउंड हो सकती है, और जुर्माना भी इसी तरह जितने ज़्यादा बच्चों को आपने एम्प्लॉय किया हो या जितनी दफ़ा आपने किया हो। और कितना जुर्माना है इसमें? जुर्माना डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को आपने एम्प्लॉय किया, और जुर्माना मिलियंस के अंदर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट क्या है। इसी के साथ साथ एक ओवरव्यू कमेटी बना दी गई, इसी कानून के अंदर एक ओवरव्यू कमेटी बना दी गई जो कि मॉनिटर करेगी सारे मैकेनिज्म को कि कहां कहां पे पाकिस्तान में कौन कौन से बच्चे एम्प्लॉय हुए, वो किस एस्टैब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉय हो रहे हैं, और उन ओनर्स के ऊपर क्या लवाजमात हैं जो कि कानून के पिराए के अंदर लग सकते हैं। इसके लिए एक चेयरमैन की तैनाती होती है और साथ 10 मेंबरान, ऐसे 10 मेंबरान जो कि ज़रूरी नहीं कि हुकूमत का हिस्सा, वो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हो सकते हैं। इस तरह 11 की एक कमेटी बनती है, और ज़रूरी है कि कानून के अंदर लिखा है कि वो मेंबरान इस तरह के हों, 10 मेंबरान जिनका के सोसाइटी के अंदर मॉरल कैरेक्टर और सोशल कैरेक्टर बड़ा साफ हो, और उन्होंने सोशल वर्क के अंदर काम किया, उनका मॉरल कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेबल हो। ये 11 की कमेटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके, हुकूमत के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, तो जहाँ जहाँ पर भी चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय किया जा रहा है वहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाएँ भी, उनको देखें भी, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है उसको इनिशिएट भी करें। ख़ास तौर पर इस कानून के अंदर 2 स्केड्यूल्स भी अटैच किए गए, वो स्केड्यूल्स उन इंडस्ट्रीज़ को लिस्ट करते हैं जहाँ पर यूजली चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा है। फुटबॉल बनाने की हमारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर, कारपेट बनाने की इंडस्ट्री है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर पॉटरी की इंडस्ट्री है, इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली बच्चों को ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है या एम्प्लॉय किया जा रहा है। ख़ास तौर पे इस कानून के अंदर हमारे हुकूमत के इदारों के ऊपर और इस कमेटी के ऊपर और जो रेलिवेंट गवर्नमेंटल मशीनरी है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन इंडस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग की जाए, ताकि वहाँ पे ये नहीं कि अगर कोई बंदा खास तौर पे शिकायत लगाएगा कि मैं शिकायत लगाऊंगा कि जी साथ वाले घर में बच्चे को एम्प्लॉय किया गया या इस इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कमेटी जो बनाई गई है वो क्या चेंज होती रहती है या एक ही कमेटी चलती आ रही है, उसमें कौन लोग शामिल हैं अब कमेटी में? जी, नेशनल कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इसको कहते हैं, नेशनल कमेटी ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इसे कहते हैं। जो हुकूमत वक्त होती है वो उसके ऊपर कमेटी के मेंबरान को की तैनाती करती है। वो मेंबरान यूजुअली एक टेन्योर के लिए लगते हैं, 2 से 3 साल के लगते हैं, लेकिन उनको रिप्लेस गवर्नमेंट कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर उनको लगे कि कोई शख्स उसके ऊपर बेहतर प्लेस करेगा। हमने 1991 से लेके आज तक बहुत से टाइम पीरियड्स ऐसे रहे जिसके के अंदर ये कमेटी फुली कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की भी पिछले, क्योंकि 1991 से ऑनवर्ड ये कानून चल रहा है, इस तरह के टाइम पीरियड्स भी रहे जिसके के अंदर ये कमेटी या कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई, मतलब ये पूरे 11 मेंबरान थे नहीं, कुछ रिज़ाइन कर गए या उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, अगलों को अपॉइंट नहीं किया, और ऐसे भी टाइम पीरियड्स रहे जहाँ पर कमेटी थी लेकिन उनकी मीटिंग्स नहीं हो रही थी। अच्छा, और ये बड़ा इलॉन्गेटेड टाइम पीरियड था, दरमियान में आया। हुकूमत को इसके अंदर सीरियसनेस शो करनी पड़ी, हुकूमत को भी, सोसाइटी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कमेटी का कसूर है, हुकूमत का है, या हमारा जो लेबर लॉ है वो कमज़ोर है? चूँकि लॉ होने के बावजूद, कमेटी के बावजूद, गवर्नमेंट के बावजूद चाइल्ड लेबर अभी तक नहीं रुक सकी, तो कसूरवार कौन है, लॉ है, कमेटी है या गवर्नमेंट है? देखिए, कानून की लिमिटेशन, कानून में लिखा है कि किसी को कत्ल करना की सज़ा है और ये बंद है, ये नहीं होना चाहिए, कानून में लिखा है, मायदीन में लिखा है, लेकिन लोग फिर भी आज कत्ल करें, तो कानून सिर्फ
कानून के अंदर सिर्फ आप लिख सकते हैं कि काम ना करें, कानून को अप्लाई करना सोसाइटी का, हुकूमत का काम है। हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, हमारे कानून के अंदर चाइल्ड लेबर के साथ साथ बॉन्डेड लेबर की अलहदा प्रोविजन लिखी हुई है कि बॉन्डेड लेबर नहीं होने चाहिए, जिस तरह के भट्टों के अंदर हमने पिछले अरसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देखे। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि कंपल्सरी एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम के अंदर हमने लिख दिया कि हर शख्स को 16 साल की उम्र तक हर बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल ठीक है, कानून सिर्फ चीज़ें लिख सकता है, उसको अप्लाई करना हुकूमत वक्त का और सोसाइटी का काम है। सोसाइटी का काम इस तरह है कि वो अगर लॉज अप्लाई नहीं हो रहे तो अदालतों में जाके हुकूमत के खिलाफ ऑर्डर्स इशू करवाएं, हुकूमत का काम है कि वो प्रोएक्टिव होकर उन कानूनों को अप्लाई करें। नॉन इम्प्लीमेंटेशन, हमारे लेबर लॉज के अंदर तरामीम की ज़रूर ज़रूरत है, अच्छा होनी चाहिए, मज़ीद होनी चाहिए। 1991 का कानून है चाइल्ड लेबर का, हमें उसका एक ओवरऑल नया कानून सोचना चाहिए, क्या मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होंगे, हमें एक स्पेशली इस कमेटी के अलावा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर, अब लोकल गवर्नमेंट भी आ रही है, हमें टीम्स तैनात करनी चाहिए, नए कानून के थ्रू टीम्स तैनात करनी चाहिए जो कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर तहसील के अंदर इस तरह की टीम्स हों जो कि चाइल्ड लेबर को मॉनिटर करती हैं और कानून के पैराए के अंदर होते हुए लोगों को सज़ा दिलवाती हैं। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ें ना भी हों, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर नहीं है लेकिन उनका स्पेशल चाइल्ड लेबर का कानून भी नहीं है, वो सोसाइटी ने, हुकूमत ने अपनी एफर्ट के साथ चाइल्ड लेबर को रोका। ये एक इंसानियत का इशू है, सिर्फ कानून का इशू नहीं, ये एक इंसानियत का इशू है। हम सबको पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं, हम सब ने ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, ऐसे ढाबों पे बैठे हैं, ऐसी जगहों पे चाय पी है, ऐसी जगहों पे हम गए हैं जहाँ पे एक 15-16 साल का बच्चा, 12 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा आके तो आपको सर्व करता है या कोई काम करता है। एज अ सोसाइटी हमारी ये ग्रोथ होनी चाहिए कि कानून मौजूद है, हुकूमत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, हम उसे एज इंडिविजुअल्स, एज अ सोसाइटी इन्फोर्स करवाएं। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर है कि सोसाइटी अगर इस चीज़ पे नहीं भी इवॉल्व हो रही तो जिस तरह बाकी कैंपेन्स की जा रही हैं, हम पंजाब के अंदर डेंगू की कैंपेन है, पाकिस्तान सारी के अंदर पोलियो की कैंपेन है, वुमेन लॉस की कैंपेन है, ये तमाम कैंपेन्स होनी चाहिए। इस तरह चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर कैंपेनिंग नहीं हुई, बॉन्डेड लेबर के ऊपर कुछ अर्सा पहले हुई, चाइल्ड लेबर के ऊपर नहीं हुई, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और स्टेट को करनी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सादर रसूल साहब। सादर रसूल साहब ने बात की नादिन के कौन से लॉज मौजूद हैं, और इन्होंने भी कहा कि जो कानून मौजूद हैं उनमें तरमीम की भी ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पर कम्पेन चलाई जानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चलानी चाहिए, और बहसियत मुआशरा हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को आगाह करें कि चाइल्ड लेबर जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 13 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे जो नीचे उम्र के बच्चे हैं उनसे अगर कोई शख्स चाइल्ड लेबर करवाता है, कोई मुलाजमत करवाता है, तो वो कानूनन जुर्म करता है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, हमारी कानून साज असम्बलियों ने इस पर क्या कानून साजी की, और सबसे बुनियादी बात कि अगर कोई कानून साजी की गई है तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ। हम गुज़िश्ता 65-66 सालों से हुक्मरानों के ये दावे तो सुन रहे हैं कि चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लगा दी जाएगी, चाइल्ड लेबर का खात्मा कर दिया जाएगा, बच्चों से मुलाजमत नहीं करवाई जाएगी, लेकिन रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हुक्मरानों की कारगर्दगी पर सवालिया निशान बनता जा रहा है। हुक्मरान जमात के एक वजीर इस पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। आओ झाड़ू छीन ले इन नन्हे हाथों से के अब हाथ में इनके कलम देने का मौसम आ गया। ताहिर खलील सिंधु साहब, ये बताइएगा कि क्यों आज तक हम चाइल्ड लेबर को नहीं रोक सके, कवानीन भी मौजूद हैं, असम्बलियाँ उस पर क्यों अमल दरामद नहीं करवाती, क्यों कानून साजी इतनी मौसर नहीं होती कि जो लोग चाइल्ड लेबर बच्चों से करवाते हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। आपने बहुत अच्छी बात की है, इस पर दो चीज़ें हैं। एक तो नंबर ये कि देर आर सर्टन लॉज, कानून मौजूद हैं लेकिन उनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में हैं जिस तरह लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उन बच्चों से और जहाँ पर वो बच्चे काम कर रहे हैं वो उन लोगों से मिले होते हैं जिनके अंडर वो बच्चे काम कर रहे होते हैं, फिर माँ बाप को भी इतना नहीं होता कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो मजदूरी के लिए भेज देते हैं। अब मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है। इसमें भी दो हिस्से हैं, एक तो ये है कि हम 27 कन्वेंशन हैं यूनाइटेड नेशंस के और यूरोपीय यूनियन के साथ जिन पर हमने सिग्नेटरी हैं, अच्छा, और हमारा जो GSP+ है
उसका भी वाद है कि हम जो बच्चों से जबरी मशक्क़त ली जाती है वो नहीं ली जाएगी। CRC इसको कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। उस पर हमने हर चार साल के बाद पीरियडिकल जो रिव्यू है वो हमने देना होता है। तो उसके में एक तो ये है कि उसके हवाले से अब 16 जनवरी को उसने रिन्यू होना है, नंबर वन। और उस पर हम सिग्नेटरी हैं, और 27 कन्वेंशन जिसमें कुछ लेबर के हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के हैं, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, सजाएं थी लेकिन वो सारे ऑफेंसेस जो थे वो बेलेबल थे। अभी ये जो कल ऑर्डिनेंस पास इन्होंने किया, मंजूरी दी है, उसमें इन्होंने कैटेगराइज इसको कर दिया है। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बच्चों से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली कोई बच्चा जो है वो किसी जगह पे भी काम नहीं कर सकता, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, जो बालग अफराद हैं, जो बालग बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, उनके लिए भी पाबंदी बनाई गई है कि एक तो वो स्कूल के वक्त से मुतसादम नहीं होगा। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, उसको ये है कि जो भी होगा वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेगा और उसमें 1 घंटे का वक्फा होगा। नंबर थ्री, उस पर फिर कुछ पाबंदियाँ ले आएँ। 36 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस तरह से एक तरह से ये जो बम ब्लास्ट करते हैं इसमें उसको उड़ाने के लिए मादनी जब जखायर होते हैं पहाड़ों को, उस पर बच्चे काम नहीं कर सकते। ट्रेन में बच्चे काम नहीं कर सकते, ट्रेन के एक डब्बे से दूसरे स्टेशन तक नहीं जा सकते। फिर जो बच्चे हैं, ये जो अपना जिस्म फरोशी भी होती है, आपने देखा होगा बल्ब अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे लोग लेकर रात को नहर में खड़े होते हैं, ये नहीं हो सकेगा। तो इस हवाले से ये 36 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में ये पास किया गया है कि इनमें, और उसकी सजा आप किस तरह से की गई है, कैटेगराइज उसको किया गया है कि अगर तो पहली दफ़ा है तो उसको 6 माह सजा और उसको 3,000 रुपये जुर्माना, अगर सेकंड टाइम है तो उसको 3 साल सजा उसे, लेकिन अगर फिर इसके बावजूद वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है और वो हैबिचुअल ऑफेंस कर रहा है तो उसको फिर 7 साल तक सजा होगी। अच्छा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ उसको बल्कि उस फैक्ट्री के ओनर को और उसके माँ बाप को भी, क्योंकि माँ बाप की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रियासत के साथ साथ माँ बाप की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रोके। मैं समझता हूँ कि ये अभी ये जो ऑर्डिनेंस आया, ये ऑर्डिनेंस जो है मेरा अपना अदराक कहता है, परसेप्शन कहता है कि अब जबकि हमने इसकी सजाएँ बढ़ाई हैं और फिर सबको पता भी है चीफ मिनिस्टर साहब की तर्जी हुकूमत का कि अगर मतलब ये लेबर इंस्पेक्टर ये फलां फलां ये काम नहीं करेंगे तो मतलब व्हाट विल बी द रिजल्ट। सर, तो ये लेबर इंस्पेक्टर्स को चेक करने के लिए क्या निज़ाम है पंजाब हुकूमत के पास? चूँकि जब अगर कोई शख्स रिश्वत देकर बरी हो जाता है या उसको सजा नहीं होती तो फिर तो इस जुर्म में इजाफा होता जाएगा। बेसिकली तो जी असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर हो गया, डायरेक्टर लेबर हो गया, मिनिस्टर लेबर हो गया, मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स हो गया, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हो गया, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल सही। स्टेट सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है उनको चेक करना। मेरा जिस तरह मैं अभी अक्सर औकात, कल जिस तरह मैं एक जगह पे गया था शेहूपुरा की तरफ, एक बच्ची से ज्यादती हुई थी, तो जब मैं वापसी आया तो मैंने 2-3 बट्टे भी चेक कर लिए। बिल्कुल। मैंने कहा ज्यादा ये मेरा, मैंने मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मेरा अपना जो अपना कॉन्शियस है उसने मुझे कहा कि आपने इनको भी चेक करना, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि मतलब इनको चेक करने का या सजा का, बेसिकली लेबर इंस्पेक्टर का काम ये है सिंपल, उसने सगासा लिख के देना बस। अच्छा। और आगे से पुलिस ने वो जो सगासा है उस पर FIR काट के वो चलान जो है वो अदालत में भेज। बिल्कुल ठीक। फिर अदालत से, लेकिन होता ये है कि जब हम चलान भेजते हैं तो हम उसमें लूप होल्स रख लेते हैं। मैं बीइंग लॉयर आपसे बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर भी। अब ये होगा कि उन पर चेक बैलेंस इस तरह का होगा कि वो हर माह की रिपोर्ट जो है वो अपने डायरेक्टर लेबर को जमा करेंगे और डायरेक्टर लेबर जो है वो मिनिस्टर लेबर को जमा कराएगा। बिल्कुल ठीक। मिनिस्टर लेबर जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर को जमा कराएगा हर 3 माह के बाद कि कितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया, कितने को सजाएं दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पर थोड़ा सा करता हूँ कि देर आर 2 वर्ड्स, वन इज सर्टेनिटी एंड वन इज सिवेरिटी। बिल्कुल ठीक। अगर सर्टेनिटी होगी, हर एक को पता होगा कि यार अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने ये जुर्म किया, बच्चों से मशक्कत ली, माँ बाप को पता हुआ कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा, क्योंकि बच्चों को जो बच्चा भी स्कूल नहीं जाएगा उसके लिए मतलब उसकी सजा है, लेकिन साथ साथ जो बच्चा स्कूल जाता है उनके लिए एजाजिया रखा गया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनके माँ बाप को पैसे दिए जाए। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि पंजाब में कसूर के भट्टे पे जो पहला बच्चा चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से जाके दाखिल कराया है वो क्रिश्चियन बच्चा था। अच्छा। और उसको माइनॉरिटीज का बच्चा था, उसने कहा कि आप इसको सबसे पहले हम स्कूल में भेजते हैं, ये वहाँ पे स्कूल में जाके पढ़े। तो ये एक मैं समझता हूँ एक मिशनरी स्पिरिट और उस झील के साथ और उस जज्बे के साथ काम शुरू किया गया है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल होगा। इस पर बात करते हैं कि मीडिया कंपेन और गवर्नमेंट को क्या कंपेन चलाने चाहिए, ये बताइएगा कि असम्बली में क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, कोई ऐसी मौसर कानून साजी की जाए ताकि जो तमाम MPAs हैं उसके बाद वफाक में ये की जाए कि तमाम MNAs जो हैं वो अपने हलकों में देखें, क्योंकि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये बच्चे जो हैं ये मुस्तकबिल हैं, और अगर ये बच्चे तारीकी में डूब गए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीकी में डूब सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बड़ी अपना आपने अच्छी बात की और जिसमें मैं बड़ा ये कंस्ट्रक्टिव बात है कि वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते। इसमें भाई आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कई दफ़ा कि अंदर की कन्विक्शन नहीं होती। बिल्कुल। जब तक आपके अंदर की कमिटमेंट और कन्विक्शन
और आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी अपना वहाँ पे मौजूद होना और आपका अपना इंसान अंदर का इंसान के इसकी जगह मेरा बच्चा भी हो सकता है। मैं आज तक कभी भी KFC या ये जो होता मैकडोनल्ड होता नहीं जाता, इसलिए जाता कि वहाँ पे एक बच्ची छोटी सी होती है जिसको एक बच्चे पकड़ाए होते हैं और बाकी जो मालक होते हैं वो बर्गर खा रहे थे, वो भूखी बैठी होती है, उसके पास में जूता नहीं होता। मेरे तो जब तक ये फीलिंग्स आप में नहीं आती ये बड़ा पेनफुल है। इसके लिए बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी, मैंने ये पढ़ा था कि अफलास की बस्ती में ज़रा जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता, बचपन नहीं होता, बिल्कुल उनसे बचपन छीन लिया जाता। तो ये जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी अंदर की उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत एक और बात की भी है कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हैं, तमाम सूबों के, उनको इस बात की ट्रेनिंग दीजिए असल में ये काम है। निसाब में ये बातें जो है हम इसको निसाब में डाल रहे हैं, जब तक करिकुलम में ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और वक्त मैंने खुद कलीन माफी की है, मैं इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ, मैंने कलीन पे काम किया है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया है। आप तारिक अली सिंह साहब वकील भी हैं और इंसानी हकूक के वजीर भी हैं, तो आप नहीं समझते कि ये इंसानी हकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जिनको ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये इल्हामी होते हैं, इनको लॉ जो होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है, ये उनकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। और हमारी कोशिश होगी, काबिश होगी कि हम इस खिलाफ वर्जी पर काबू पाएँ, चाहे इसके लिए सख्त से सख्त इकदाम भी करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल सबमिशन है कि आप भी हमारे माशरे की आँखें चेहरा और हाथ हैं, आप भी इन बच्चों के आपके अपने भी घरों में आप देखते होंगे कि छोटे बहन भाई हैं, तो हम जब हर एक इन बच्चों को अपना बहन भाई समझेगा कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और इससे हमारी सोसाइटी का जो चेहरा है वो कला हो जाता है, वो डी शेप होता है। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि ये हुकूमत की तरफ से बड़ा निगलेक्टेड एरिया है चाइल्ड लेबर, क्यों इस पर उस तरह कंपेन्स नहीं की जाती, लोगों को आगाह नहीं किया जाता कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर है ये जुर्म है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बच्चे, इनसे मुलाजमत ना करवाई जाए, कोई भी प्लान, कोई सेमिनार्स, क्यों हुकूमत इस पर कोई अरेंजमेंट नहीं करती? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अगर कानून साजी है तो ठीक है, लेकिन कानून साजी के साथ साथ अगर जिसे मैं तो अगर उसमें रूह नहीं है तो उसका कोई फायदा बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से ये बात लाजम मलजूम है, तो इसके लिए सेमिनार्स के अलावा मीडिया पर बेहतरीन किस्म के इश्तहारात और उन बच्चों का और उन लोगों में एहसास जिम्मेदारी दिलाया जाए, और मीडिया पे खासतौर पे और अखबार में और टेलीविजन पे इशारा दिला जाए ताकि और अट्रैक्टिव किस्म की चीज़ें बनाई जाएँ ताकि लोगों को देखकर उसे पता चले, और खासतौर पे ऐसी अलीज क्लास को कि नहीं बच्चों से काम नहीं लेना। आप देखिए परसों आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा साहब का डेविड कैमरून को कि अपना सामान उठा के खुद अपने घर से लेके जा रहा उसने ठहरा हुआ है, तो यहाँ पे वो जब तक ये ऐसी चीज़ें नहीं आती, और इवन हमारे जो MBA कराम थे खुलवा राजस्थान थे अपने कपड़े जो हैं बिल्कुल से वो सिलसिया करते थे, तो अगर वो जज्बा आ जाएगा दोबारा तो फिर हम कौम बन जाएंगे। आप ये चूंकि वजीर भी हैं, आप तो कोई गारंटी देते हैं या कोई उम्मीद जाहिर करते हैं कि निसाब में ये चीज़ शामिल की जाएगी? आपने खुद कहा कि ये शामिल होनी चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जी निसाब हम चेंज कर रहे हैं, 9th क्लास तक हमने चेंज किया है, उस पर कमेटी बनी स्पेशल, उसमें टॉलरेंस, फिर बच्चों की जो जिम्मेदारी है, बच्चों का तालीम का बुनियादी हक है, और आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि हर जो बच्चे का जो तालीम फ्री तालीम है मैट्रिक तक उसका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इन सारी बातों को निसाब में डाल रहे हैं ताकि हर माँ बाप को हर बच्चे को पता हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हुक्मरानों के साथ साथ मीडिया और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की भी ज़रूर है कि माँ बाप ये ना हो कि भाई जो है वो सारा दिन अपना गलियों में बैठ के ताश खेलें और छोटी छोटी बहनों को छोटे छोटे भाइयों को वो काम पे भेजें, बिल्कुल सही, उनको भी साथ। लेकिन उनके लिए भी हमें सेमिनार्स और फंक्शंस और ये जो डिफरेंट किस्म के NGOs हैं जो वेस्टर्न इंटरेस्ट से पाक है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, खुशहाली का पैम्बर इंसान तभी बन सकता है जब तक वो जाके अपनी जिम्मेदारी समझ के इन लोगों के साथ काम नहीं। बिल्कुल ठीक है, अभी पंजाब असम्बली ने हुकूक निस्वा बिल मंजूर किया था और कई जगहों पर बड़ा अप्रिशिएट भी हुआ, तो हम ये तवक्को रखें कि चाइल्ड लेबर पर भी कोई ऐसा बिल मंजूर किया जाएगा जो पूरी पंजाब में इसका खात्मा करे चाइल्ड लेबर। ऑर्डिनेंस तो आ गया नंबर वन, ठीक है, जब असम्बली ना चल रही हो तो उस वक्त ऑर्डिनेंस आ जाता है, यू नो बेटर देन मी इवन, ऑर्डिनेंस तो आ गया, अब इसको दोबारा हम असम्बली में पेश करके इसको एक्ट बनाएंगे, नंबर वन एक्ट बनेगा तो उसमें ज़्यादा कानून बन जाता है, और नंबर टू ये है कि जिस तरह हुकूक निस्वा पर भी बड़ी मुखालफत भी बड़ी आई थी कि थोड़ा सा टॉर्चर कर लेते, उसमें कहा गया कि ये तो नहीं कि उस वक्त मौलवी साहब ऊपर खड़े होंगे कितना टॉर्चर करना कितना नहीं करना, और फिर कौन चाहता है कि उसकी बहन पे टॉर्चर ना हो और किसी और की बेटी पे टॉर्चर। इसी तरह इसके बारे में भी कुछ चीज़ें आएंगी, ऐसी शुरू में मुश्किलात आएंगी जिन माँ बाप का गुजारा उन बच्चों की, लेकिन उन माँ बाप को खुद काम करना पड़ेगा, चाहे वो जाएँ और खुद काम करें और इन बच्चों को जो है इनको स्कूल भेजें ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तो रोशन सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए हो सकता है किसी और तरीके से। बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन चाइल्ड लेबर के कवानीन बताते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मुलाजमत करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ 14 साल से कम उम्र बच्चों से ना सिर्फ मुलाजमत करवाई जा रही है बल्कि उनसे जानवरों से बदतर सलूक भी किया जाता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं ये बच्चे, और इस बारे में कोई दो राय नहीं कि अगर इनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब गया तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी ख़तरा लाहक है। ये बच्चे इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाब देखने का हक रखते हैं, और बहसियत कौम बहसियत मुआशरा हम सब की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि इनके ख्वाबों की ताबीर मुमकिन बनाई जा सके। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।